टीम इंडिया और सभी आईपीएल टीमों के बेस्ट ऑलराउंडर बने हैं रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा फीस लेने वाले बने हैं एकमात्र क्रिकेटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इसके स्पोर्ट के और नई वीडियो में। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने भारत को 2 बार वर्ल्ड कप जिताया है। यही कारण है कि उन्होंने ब्रांड वैल्यू में अच्छी खासी पकड़ बना रखी है और उनसे आगे अभी तक कोई भी खिलाड़ी नहीं निकल पाया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी की ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी उनकी पकड़ अभी तक बनी हुई है। ऐसे में उस क्रिकेटर के बारे में क्या कहेंगे जो महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा मैच फीस लेकर मैदान पर उतरेगा। आईपीएल 2022 में ऐसा होने जा रहा है और रविंद्र जडेजा को इस बार महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा फीस में रिटेन किया गया है। मौजूदा टीम इंडिया के बेस्ट ऑलराउंडर महेंद्र सिंह धोनी के बाद रविंद्र जडेजा को माना जा रहा है और रविंद्र जडेजा आज अपना 34वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उनके साथ ही उन्होंने पूर्व क्रिकेटरों से प्रशंसा और शुभकामनाएं मिल रही है। सोशल मीडिया पर तो जडेजा का नाम ट्रेंड होने लगा है। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। रविंद्र जडेजा के साथ भी ऐसा ही हुआ है। उन्होंने साल 2009 में भारत के लिए पहला वनडे और पहला टी20 मैच खेला था, लेकिन कम लोग ही जानते हैं कि वो इससे पहले ही भारतीय टीम को विश्व चैंपियन बना चुके थे। जडेजा ने साल 2008 में उस टीम के सदस्य थे जिसमें विराट कोहली की अनुगाई में अंडर 19 विश्व कप खेला गया था। हालांकि 2008-09 की शुरुआत कामयाबी के बाद उन्होंने कैरियर पर 3 साल छोटा सा ब्रेक भी लगा रखा था। साल 2010-11 में जडेजा खराब खेल के बाद चर्चा से बाहर रहे और चयनकर्ताओं का ध्यान उन पर नहीं गया था। साल 2012 में उनके कैरियर की टर्निंग पॉइंट आया जिन्होंने इस साल आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करके टीम इंडिया में वापसी की। इसी साल उन्हें टेस्ट टीम में भी खेलने का मौका मिला था। जडेजा के खेल में महेंद्र सिंह धोनी का हाथ देखा जा सकता है। जडेजा साल 2021 में सीएसके के द्वारा ऐसा प्रदर्शन दिखाया कि सीएसके टीम उनको रिटर्न करने पर मजबूर हो गई। उन्होंने इस टीम के लिए इतना बेहतरीन खेल दिखाया कि चयनकर्ता उन्हें भारत की टीम में लेने के लिए मजबूर हो गए। जाहिर है कि महेंद्र सिंह धोनी की भूमिका इसमें अहम रही होगी जो नेशनल क्रिकेट टीम के कप्तान थे। फिर तो धोनी जडेजा की जोड़ी सीएसके के लिए तहर भारतीय टीम के लिए भी अनिवार्य हो गए। धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद भारतीय टीम में तो यह जोड़ी दिखनी ही बंद हो गई थी, लेकिन आईपीएल में यह अभी बहुत ही मजबूत जोड़ी बनकर उभर रही है। चेन्नई सुपर किंग अब रविंद्र जडेजा के वापसी के तौर पर तैयारियां कर रही है। आईपीएल की इस टीम अगले सीजन के लिए महेंद्र सिंह धोनी को 12 करोड़ में रिटर्न किया है, जबकि रविंद्र जडेजा को 16 करोड़ रुपए देकर सीएसके के लिए रिटर्न किया है। इससे रविंद्र जडेजा अपनी टीम सीएसके के लिए महंगे खिलाड़ी हो गए हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो जडेजा 168 वनडे, 57 टेस्ट मैच और 55 टी20 मैच खेले हैं। जडेजा ने वनडे में 188 विकेट झटके हैं और 2411 रन बनाए हैं। इसी तरह से उन्होंने 57 टेस्ट के नाम उनके 232 विकेट हैं और 5195 रन दर्ज हैं। वहीं टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने 46 विकेट ले चुके हैं और 256 रन भी बना चुके हैं। तो दोस्तों, आज के अपडेट में बस इतना ही। रविंद्र जडेजा के बारे में आप अपनी व्यक्तिगत राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें तथा क्रिकेट जगत की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।